जय शंकर जी, जय श्री राम सीताराम। आप जब भी भगवान के दर्शन करने जाएं तो भगवान के समक्ष एक बात जरूर बोले कि हे नाथ, मैं आपको ना भूलूं, ये कृपा करना। भगवान हमारे जैसे आपके पास बहुत हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए आप हैं, आप हमें बस स्वीकार कर लीजिए। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है। इतने में ही भगवान आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। वही रामायण की दो चौपाइयाँ हैं, जिसमें एक को मंदिर में रखना चाहिए और एक को अपनी रसोई में। तो जिस चौपाई को मंदिर में रखना चाहिए वो चौपाई है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। आपको इतना आनंद मिलेगा, इस चौपाई को पढ़ने माँ से, कि इतना उत्साह मिलेगा आपको, आपको आनंद को कोई रोक नहीं पाएगा। पूजा में आपका मन लगेगा, भगवान के चरणों में आपको मस्ती आएगी। ये चौपाई रामायण के बालकांड में दोहा नंबर 192 के नीचे की है। और एक चौपाई है जिसे अपनी रसोई में रखिए, तो वो चौपाई है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई भी बहुत अद्भुत है। इस चौपाई का स्मरण करने माँ से रसोई में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, क्योंकि राम को पढ़कर, राम जी को समझकर जीवन मर्यादित हो जाता है। उनके घर में कभी कोई अमंगल नहीं होता। जिनके घर में व्यवहार में एक दूसरे से सब राम राम बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी कहते थे कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको हनुमान चालीसा कंठी नहीं, वो अपने नित्य नियम में हनुमान चालीसा को जरूर पढ़ें। इससे राम की कृपा हो जाएगी। जिसके ऊपर राम कृपा कर दे, उनकी जीवन में तो रोग बीमारी कष्ट परेशानी रह ही नहीं सकती। आप सभी जानते हैं कि हमारे 16 संस्कार हैं, लेकिन पहले हमारे संस्कार 48 हुआ करते थे, लेकिन लोगों के पास ये सब करने का समय नहीं था, तो अब वो संक्षिप्त 16 संस्कार हो गए हैं। संस्कार का मतलब होता है शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, संस्कृत युक्त जीवन। पहला है गर्भाधान संस्कार। इसमें ओम ब्राह्मणे नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से होने वाली संतान के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। इसमें गोपाल बीज मंत्र को पढ़ने से गर्भ में संतान आ जाए तो पति पत्नी जपना शुरू कर देते हैं। गोपाल मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को जपने से गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, इतना बड़ा प्रभाव है इस मंत्र का संतान को जन्म देने के लिए। अगला है हमारा संस्कार सोवन संस्कार। ये संस्कार जब गर्भ में संतान आ जाती है तो उसके चौथे महीने में संस्कार किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इसमें पति के द्वारा नारी के नाभि के ऊपर रोली और चंदन लगाया जाता है, इससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। पंचवन संस्कार में वंश वृद्धि के लिए एक बेटा छलकर आ जाए तो पुत्र की कामना के लिए पंचवन संस्कार किया जाता है, क्योंकि चौथे महीने में ही लिंग निरूपण होता है। बच्चे में स्त्री और पुरुष के चिन्ह बनते हैं। जिनको बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है, वो ठीक से सुनेंगे इस बात को। चौथे महीने आरंभ के दिनों में आचार ब्राह्मणों से पंचवन संस्कार करवाए। इसमें पति और पत्नी दोनों पूजा में बैठते हैं, संकल्प किया जाता है, प्रभु हमारी वंश वृद्धि के लिए हमें एक पुत्र दे दो। बेटी हमें बुरी नहीं लगती, कन्या हमारे जीवन में हो, लेकिन वंश वृद्धि के लिए हमें एक पुत्र दे दीजिए, भगवान से प्रार्थना की जाती है। फिर आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये 6 महीने से 8 महीने के बीच में किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा गर्भ समाप्त नहीं होता, क्योंकि शास्त्र अनुसार पेट में बच्चे का मरना ये शुभ नहीं, इसलिए ये बात याद करने की लायक है। इस समय बच्चे में प्राण आ जाते हैं तो ये जघन्य अपराध हो जाता है, इसलिए सीमांतोन्नयन संस्कार जरूर करवाएं, जिससे गर्भ में बच्चे की सुरक्षा होती रहे। उसके तत्पश्चात बच्चे के जन्म के बाद एक संस्कार होता है, जाति कर्म संस्कार। इसमें बच्चे के कान में ब्राह्मण उसके बाप दादा का नाम बोलते, यहाँ तक कि 7 पीढ़ियों के तक के नाम बोले जाते हैं। बच्चे को जाति के बारे में बताया जाता है। फिर नामकरण संस्कार होता है। इसमें नामकरण संस्कार में उत्सव जरूर किया जाता है, चाहे वो कथा करवाए चाहे यज्ञ हो। शास्त्र कहता है कि बेटे का नाम रखें तो लास्ट का अक्षर छोटा होना चाहिए, अगर बिटिया का नाम रखें तो लास्ट का अक्षर बड़ा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राम लास्ट का अक्षर छोटा है, सीता लास्ट का अक्षर बड़ा, कृष्ण छोटा है, राधा बड़ा, शंकर लास्ट का अक्षर छोटा है, पार्वती लास्ट का अक्षर बड़ा। फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। इसमें पहली बार बच्चे को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। इससे जिंदगी में कभी भी बच्चे की आंखें नहीं खराब होती, उस बच्चे की बुद्धि की क्षमता बढ़ती जाती है, सोचने की ताकत बढ़ती है। ऐसा हम सब नहीं करते, लेकिन माता अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान को कराया था, तो हनुमान जैसा कोई नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद 6ठे या 7वें महीने में
संस्कार होता है उसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें बच्चे को खीर खिलाई जाती है, थोड़ा उसमें शहद डाला जाता है। ऐसा करने से बच्चा कभी तामसी प्रवृत्ति वाला नहीं, गलत खान पान नहीं होता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, विद्या आरंभ संस्कार होता है। जिस समय बच्चा पहली बार पढ़ने के लिए जाता है तो बच्चे के कान में गणेश जी का मंत्र दिया जाता है, ओम गंग गणपतये नमः। उसकी किताब और कॉपी के ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो दही और रोली और हल्दी डालकर उस बच्चे के मस्तक पर तिलक किया जाता है। ग्रंथ कहता है कि जिस तिथि में बच्चे का जन्म हुआ हो उस तिथि में बच्चे का विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है। ऐसे ही हमारे 16 संस्कार को पूर्ण किया जाता है। वैसे आप सब तो रामायण की सुंदर सुंदर चौपाइयाँ पढ़ते ही होंगे, पर आज हमने सोचा क्यों ना थोड़ा उन चौपाइयों को हम एक दूसरे के मध्य रखते हैं। हर हर महादेव।